चेतनालय में आपका स्वागत है। चाहे उमस भरी गर्मी हो या सर्दियां, प्रकृति किसी भी तरह से अपने रंगों को चारों ओर फैला देती है। सर्दियों का इतना सुंदर समय है, ठंडी हवा का झोंका, हल्की हल्की बूंदें। इसलिए आज मैं आपको 6 विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। कैलेंडुला मारीगोल्ड यानी गेंदे का फूल। मारीगोल्ड जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है, एक मस्ट हैव विंटर फ्लावर है। इसकी पंखुड़ियां और बीज के अलग अलग स्किन रिस्टोरेशन प्रोसेसेस में यूज किए जाते हैं और ये ऑरेंज एंड येलो रंगों में आते हैं और आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। स्नैपड्रैगन यानी डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन ठंडे तापमान में बढ़ना पसंद करता है और विभिन्न रंगों में आता है। डलिया। डलिया वास्तव में एक फ्लावर कलेक्टर का सपना है, इसलिए पौधों की देखभाल वास्तव में इस क्षेत्र पर निर्भर करती है जिसमें वे बड़े हुए हैं। विंटर जैस्मिन यानी चमेली का फूल। विंटर जैस्मिन जल्दी खिलने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स में से एक है, अक्सर जनवरी में, और यही चेरी एंड बटरी ब्लूम सर्दियों की निराशा को दूर करने में मदद करते हैं और इस सजावटी पौधों को ग्रो करना बहुत आसान है। पेटूनिया। पेटूनिया हमारी लिस्ट में सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है। वार्षिक रूप से उगने वाले ये फूल किसी भी बगीचे की शान को बढ़ा देते हैं। इनकी प्लांटिंग भी बहुत आसान है और प्रैक्टिकली कोई भी इन्हें ग्रो कर सकता है। और लास्ट है फ्लॉक्स यानी पटुआ। गार्डन फ्लॉक्स के रूप में भी जाने जाते ये पौधों में 5 फीट तक बढ़ने की क्षमता है। इन पौधों की खूबसूरती को डिफाइन करते हैं प्लांट ब्रीडर कार्ल फॉरेस्टर के ये शब्द। बिना फ्लॉक्स वाला बगीचा ना केवल एक सरासर गलती है बल्कि गर्मियों के खिलाफ एक पाप है। अनकोट। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार होगी। धन्यवाद।